बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के कर्म फ़ज़ल से हम भी खैरियत से। तो आज हम बनाएंगे अपनी डाइट को मद्देनज़र रखते हुए टोस्ट। तो इसके लिए हमने ली है थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ा सा अमरूद और एक छोटा सा पीस गाजर का। इन सब को हम अच्छे से कट कर लेंगे, गाजर और अमरूद को क्रश कर लेंगे, बीज का हिस्सा जो है वो उसका निकाल देंगे। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम चीज़ नादक की। आपके पास मेयोनीज़ है आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है अमरूद गाजर और बंद गोभी ही रहे। आपके पास कुछ भी है, आपको फ्रूट पसंद है, आपको वेजिटेबल पसंद है, आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। ये वो वाला टोस्ट बनेगा जैसे हर बात में रिश्तेदार अपनी टांग अड़ाते हैं, सेम वैसा ही है कि कुछ भी जाएगा इसमें चल जाएगा। तो इसके अंदर अभी हम सबको मिक्स करेंगे। मेरे पास क्रीम थोड़ी सी पड़ी है तो मैं इन सबको क्रीम वाले डब्बी में ही डाल के अच्छे से इनको मिक्स करके निकालूंगी ताकि क्रीम जो है वो वेस्ट नहीं हो। साथ ही इसमें करेंगे हल्का सा नमक ऐड और थोड़ी सी काली मिर्च। आप चाहें तो नमक स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्ट वाली होती है क्रीम। तो एक अंडा भी उबाल के लेंगे। इसी के साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उम्मीद करती हूँ ये मेरे आसान आसान तरीके की रेसिपियाँ आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो जी इसमें अभी थोड़ा सा डालेंगे नमक एक चुटकी के बराबर। अंडा उबाल लिया, इसको अच्छे से कट करके थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि ये गरम डालेंगे तो क्रीम जो है वो पिघल जाएगी, अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इसको थोड़ा देर ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे हम लोग ये सारा मिक्सचर जो भी बनाया है, और साथ ही उसके अंदर अंडा भी मिक्स कर देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी बनाती हूँ मैं, जो कि सबके लिए आसान रहे और हर चीज़ घर में इजीली मिल जाती है, आपको ज़्यादा खर्चे करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ले जी इनको अभी कर दिया मिक्स। ये मिक्सचर जो है हमारा स्प्रेड हो गया है रेडी। तो अब हम इधर लेके आते हैं अपने ब्रेड जो कि मैंने ग्रिल सैंडविच में ग्रिल कर लिए हैं। अब इसके ऊपर लगाएंगे सारा मेज़ा। आप चाहें तो दो स्लाइस ऊपर नीचे रख के भी बना सकते हैं, इस तरह सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह जो है खूबसूरती थोड़ी इसकी बढ़ जाती है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।